यूपी के भदोही में मायावती ने अखिलेश को क्यों कहा नौसिखिया सीएम? आखिर मायावती ने भरे मंच पर अखिलेश की कौन सी गलती बताई? लोकसभा चुनाव के छठे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार का काम अपने चरम पर है। तमाम सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी के भदोही में एक संयुक्त चुनावी रैली को संबोधित किया, लेकिन अपने संबोधन के दौरान मायावती अखिलेश को लेकर कुछ ऐसा बोल गई जिससे उनकी परेशानी जरूर बढ़ गई होगी। दरअसल भदोही में चुनावी रैली के दौरान मायावती ने एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को नौसिखिया सीएम करार दे दिया। असल में मायावती ने भदोही जिले का नाम बदलने को लेकर अखिलेश को नौसिखिया सीएम कहा। मंच से अपने भाषण के दौरान मायावती ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला, लेकिन बातों बातों में उन्होंने ये भी कह दिया कि जब जिले का नाम बदला गया तब अखिलेश नए नए मुख्यमंत्री बने थे। मायावती ने कहा कि जब जिले का नाम बदला गया तब अखिलेश राजनीति में आए थे। चार बार मैं मुख्यमंत्री रही हूँ, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से भ्रमित करती है ये मुझे पता है। उन्होंने कहा कि अखिलेश नए नए मुख्यमंत्री बने थे, ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने कुछ गलत फैसला करवा दिया, लेकिन आने वाले समय में जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम भदोही जिले का नाम फिर से संत रविदास नगर कर देंगे। इतने नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने जिलों संस्थानों के नाम बदले गए हैं उन सभी का भी फिर से वही नाम कर दिया जाएगा। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने भाषण में जिले का नाम बदलने को लेकर कुछ भी नहीं कहा। वहीं योगी आदित्यनाथ पर निशाना लेते हुए मायावती ने कहा कि आज हम लोगों के बीच आकर वोट मांग रहे हैं, वो चुनाव के बाद अपने मठ में वापस चले जाएंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी नहीं बख्शा। कांग्रेस का नाम लिए बिना मायावती ने कहा कि कांग्रेस का एक प्रत्याशी आजमगढ़ से भदोही आकर अखिलेश को समर्थन करने की बात कह रहा है। मुझे लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। बीजेपी ने अपने किसी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से चुनाव लड़ाकर गठबंधन के खिलाफ साजिश रची है। जाहिर है उनका इशारा रमाकांत यादव की ओर था, जो हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं और भदोही से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अपने भाषण के दौरान मायावती ने जिस तरह भरे मंच पर अखिलेश की चूक का जिक्र किया, उसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।